चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करते हैं जरा। क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज इन द नेट एसेट्स इज 173। ये क्या है? पता नहीं, कुछ देखते हैं जरा। ट्राई की कह रहा है, ड्रॉइंग्स में बस दे रहा है 77 परफेक्ट है, कैपिटल इंट्रोड्यूस दैट इज $45, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रहा है, और अगेन रिक्वायरमेंट क्या देंगे, प्रॉफिट के अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात, क्या रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस पॉसिबल है? नहीं। क्या अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन पॉसिबल है? सर यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है नेट एसेट्स का, दैट शोज कि मुझे यहाँ पर नेट एसेट्स यानी कि बिजनेस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, और बिजनेस इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट एंड माइनस ड्रॉइंग्स, इज इट? ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर सर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन का डाटा कुछ कंप्लीट नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब सर? चले ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है, ड्रॉइंग्स की अमाउंट मेरे पास यहाँ पर गिवन है, बिल्कुल गिवन है, नेट प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो मैं कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स तो गिवन नहीं है, तो फिर मुझे साल के शुरू के एसेट्स और लाइबिलिटीज भी होने चाहिए, साल के एंड के यानी कि एंड के जो है वो ईयर एंड के एसेट्स और लाइबिलिटीज भी होने चाहिए, ताकि मैं अपने क्लोजिंग और ओपनिंग नेट एसेट्स को कैलकुलेट कर सकूँ। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या दे रहा है, इंक्रीज इन नेट एसेट्स, कि नेट एसेट्स में इंक्रीज कितना हुआ, 173, और इंक्रीज इन नेट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है, दैट इज द क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद आ रहा है, इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि नेट एसेट्स में इंक्रीज कैसे पता चला था, कि साल के शुरू के नेट एसेट्स कितने, साल के आखिर में कितने, दोनों का डिफरेंस निकाला था, तो उस समय पता चला था कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो इसके अंदर मेरे पास इंक्रीज दे रहा है, इंक्रीज का मतलब क्या है, कि क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया गया है कि आपके पास कितना आ रहा है, 173 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग नेट एसेट जो यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ पे क्या क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू, अब इक्वेशन की उस तरफ क्या रह गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब ये कि क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है, ये 173 मेरे पास दे दिया गया है, यानी कि 173 इज द डिफरेंस इंक्रीज है। अगर ये डिक्रीज होता तो हम माइनस में लिख देते, तो इसका मतलब क्लोजिंग नेट एसेट माइनस ओपनिंग नेट एसेट 173 आपके पास यहाँ पे इसका डिफरेंस दे दिया है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितनी दे रहा है हमारे पास, एडिशनल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया दैट इज 45, और इसी तरीके से आपके पास नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और ड्रॉइंग्स हमारे पास यहाँ पे कितना दे रहा है, $77 के हमारे पास यहाँ पे क्या दे रहा है, ड्रॉइंग्स दे रहा है। अब करेंगे क्या सर, अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए इक्वेशन को अरेंज करते हैं और उसका नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 205 का, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? तो ये हमने क्या क्या बिजनेस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये चीज जरूर क्लियर भी होगी कि कब बिजनेस इक्वेशन को यूज करना है और कब अकाउंटिंग इक्वेशन को आपने यूज करना है। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? तो ये हमारे पास बिजनेस इक्वेशन का पूरा टॉपिक था जो हमने इसके अंदर कवर किया।